गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल के महीने में खूब चिलचिलाती धूप साथ में गर्मी भी अपने चरम पर है। बढ़ता तापमान हर रोज शरीर को झुलसा रहा है। ऐसे मौसम में अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा पेट की समस्या होती है। गर्मियों में बहुत ही नाप तोल कर खाना पड़ता है। अगर जड़ा भी तला भुना खा लिया जाए तो पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको खूब लाभ मिलेगा, साथ में यह आपको ऊर्जावान रखने में मदद करेगा। ये आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम भी करेगा और थकान और सुस्ती से भी यह आपको दूर करेगा। नारियल पानी में ऊर्जा देने वाले मिनरल होते हैं। ये गर्मियों में आपको हाइड्रेट रखने का काम करता है। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही गर्मियों में आपको ऊर्जा प्रदान करता है। नारियल पानी थकान और सुस्ती को दूर करता है। गर्म दिनों में आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। जलजीरा पानी और कई मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें जीरा, हींग, पुदीना आदि मिला होता है। इन मसालों में कई तरह तरह के पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है और साथ ही यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। आप ये ड्रिंक घर पर बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ये पेट दर्द की समस्या से राहत भी दिलाता है और ये आपको तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। गर्मियों में आपने जगह जगह गन्ने की जूस के ठेले लगे हुए देखे होंगे। गन्ने की जूस में प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और अन्य कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। ये एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। यह आपके शरीर के ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों में आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। ये थकान और सुस्ती को दूर करता है। आपको बता दें कि सत्तू आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसमें सोडियम कम होता है। यह आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। गर्मियों में इसका सेवन लोकप्रिय रूप से किया जाता है। ये बिहार का एक मशहूर ड्रिंक है। कोम्बुचा एक तरह का ड्रिंक होता है। ये आइस टी की तरह नजर आता है। ये ब्लैक और ग्रीन टी का फॉर्मेटेड वर्जन है। इसमें विटामिन B2, B6, B12 के गुण होते हैं। साथ ही यह गर्मियों में आपको हीट स्ट्रोक से बचाने का भी काम करता है। यह आपको ऊर्जावान रखता है। ये दस्त होने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी से भरपूर होता है और ये अच्छा इम्यून बूस्टर है। ये कोलेस्ट्रॉल और कैंसर के खतरे को भी कम करता है।